ताजनगरी आगरा में चोरों के बुलंद हौसले खाकी वर्दी की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। थाना इत्मदौला क्षेत्र में बाइक सवार चोरों ने महिला की चेन पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला की चीख पुकार सुनकर लोगों का जमावड़ा लग गया, लेकिन चोर मौके से फरार हो गए। ताज नगरी आगरा में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज होने वाली लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों में भी खंदौली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। शनिवार सुबह बच्चों को स्कूटी से छोड़ने गई इंजीनियर की पत्नी को बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। मामला थाना इत्मदौला क्षेत्र में शनिवार सुबह एक्टिवा से जा रही इंजीनियर की पत्नी को बाइक सवार लुटेरों ने निशाना बना लिया। महिला की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शिव शक्ति बिहार की रहने वाली रंजना सिंह के पति सत्येंद्र सिंह छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। वे इंजीनियर हैं। संजना ने बताया कि शनिवार सुबह वे अपनी बेटी को एमपीएस स्कूल में छोड़ने गई थी। इसके बाद घर लौट रही थी। वे एक्टिवा से थी। कालंदी बिहार में आरबी डिग्री कॉलेज के सामने बाइक सवार बदमाशों ने एक्टिवा स्कूटर रोककर उनकी चेन लूटने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध किया तो उन पर पिस्तौल तान दी। वह दहशत में आ गई। इसी बीच बदमाशों ने चेन तोड़ ली, उसमें लॉकेट भी था। सोने की चेन लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए। उन्हें तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। गुड़िया को छोड़ के मैं स्कूल बस में 45 की बात है, 6:45 मैं उसको छोड़ के मात्र एक मिनट हुआ था। यहाँ पे दो बाइक पे बैठे थे, पीछे वाले ने मेरे गर्दन पे हाथ मारा है और आगे से चैन खींची है। बाइक को घुमा के एक ने पिस्टल निकाली है, दूसरा बोला है कि मारो इसको। जब मैं उसको बोली भैया पिस्टल नहीं मारना, मैं एक्टिवा को वहाँ फेंक के और तुरंत यहाँ तक भागी हूँ। फिर यहाँ पे आंटी लोग वो आ गई थी सारी, उन्होंने चैन तोड़ लिया। हाँ, चैन तोड़ के ले गए। एक सेकंड में ये सब कुछ हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।